हाल ही में विस्टन रोड पर किया गया निर्माण आम लोगों, दुकानदारों, व्यापारियों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बन रहा है। यहां किए गए नाले निर्माण को ढकने के लिए स्लेब के बजाय लाल फर्शियां लगा दी गई है, जिसमें गुजरते समय फर्शियां टूटने से लोग चोटिल हो रहे हैं। तबरेज खान ने बताया कि वह ऑटो चालक हैं। मैं बिस्तान रोड शहर के पास हाल ही में बने नाले पर डली फर्शी पार कर दूसरी ओर स्थित कॉम्प्लेक्स की दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान फर्शी टूट गई और वह करीब 4 फीट चौड़े और 3 फीट गहरे नाले में जा गिरा। इससे पैर में चोट आई। दुकानदारों ने बताया नाले निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। फर्शी अभी कच्ची है। महज पैदल चलने पर भी दिन में कई लोग इसी तरह फर्शी टूटने पर चोटिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ऑटो के पास जा रहा था और पांव जैसे ही रखा तो दोनों फर्शी अंदर और मैं नीचे, तो मेरे को यहाँ तो दौड़ के ना सबने उठाया। क्या लगता है आपको ये फर्शियाँ? ये फर्शी उन थोड़ी या मट्टी की बनी हुई है फर्शी, ये तो कलर करा पूरी तरीके से और कलर है उस पर, उसमें फर्शी में कोई भी दम नहीं है। और कल एक लेडीज गिरी थी, उसको भी सीने के ऊपर लगा। नहीं, सुबह ही गिरी थी। सुबह क्या क्या मांग करते हैं नगर पालिका? नगर पालिका या तो इसको हटवा दो या तो इसका काम पूरा कम्प्लीट करवा दो। आज ही कोई निकलने वाला गिर सकता कभी भी आने में। अभी 4-5 जन को उधर से बुलवाया हूँ, उधर था हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, कोई मर मुरा जाएगा। क्या नाम है आपका? अबरेज खान। क्या एक भैया थे, उन्होंने क्या पैदल चल रहे थे तो अचानक से गिर गए। कब की बात है? अभी 3-4 दिन। क्या पर्चा कमजोर है? क्या है? हाँ, पर्चा कमजोर है। कौन करवा रहा है निर्माण? नगर पालिका। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या चाय दुकान है आपकी? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।